ट्वेंटी वर्ल्ड कप में भारत और अफगानिस्तान के बीच खेले गए मैच में भारत ने जीत हासिल की। हर दिन एक जैसा नहीं होता, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड से हार मिली, लेकिन भारतीय टीम सेमीफाइनल में जगह बनाने की पूरी कोशिश कर रही है और वो इसमें कामयाब हो भी सकती है। लेकिन भारतीय टीम की काबिलियत पर अब वो देश सवाल उठा रहा है जो वर्ल्ड कप में भारत से 12 बार हार चुका है। पाकिस्तान भारत पर मैच फिक्सिंग का आरोप लगा रहा है और सोशल मीडिया के सहारे भारत को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। भारत जीता तो जल गया पाकिस्तान, पाकिस्तान की टूलकिट वाली साजिश। पाकिस्तान ने ट्रेंड कराया हैशटैग फिक्स्ड। खेल को खेल भावना के साथ खेलना चाहिए, लेकिन खेल को द्वेष, ईर्ष्या और सांप्रदायिक भावना से खेलने वाले देश पाकिस्तान से ये उम्मीद करना कि वो खेल भावना का सम्मान करे, ये नासमझी ही हो सकती है। पाकिस्तान ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वो कितना नीचे गिर सकता है। दरअसल आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप के 33वें मुकाबले में भारत का सामना अफगानिस्तान की टीम से हुआ, जहां भारतीय टीम ने 66 रनों से जीत हासिल की। क्योंकि इससे पहले भारत एक मैच पाकिस्तान से और दूसरा मैच न्यूजीलैंड से हारा था, इसीलिए भारत की ये जीत पाकिस्तान को हजम नहीं हुई। और इस मैच के दौरान ही पाकिस्तानी ट्विटर हैंडल से सोशल मीडिया पर इस बात को हवा दी गई कि ये मैच फिक्स है और सब कुछ भारतीय टीम के हक में हुआ है। आप जरा ये ट्वीट्स पढ़िए जिसमें लिखा है कि 2019 में भारत जानबूझकर इंग्लैंड से हारा था ताकि पाकिस्तान को सेमीफाइनल में जाने से रोक सके, और आज अफगानिस्तान की टीम जानबूझकर भारत से हार रही है ताकि फिक्स्ड मैच के सहारे भारत सेमीफाइनल तक पहुंच सके। आपको बता दें कि ये पाकिस्तान के एक पत्रकार हैं जिन्हें भारत की जीत रास नहीं आ रही। ऐसे एक या दो नहीं बल्कि कई ट्वीट्स किए गए और हैशटैग फिक्स्ड को ट्रेंड कराया गया ताकि एक एजेंडा के तहत ये ट्रेंड चलाया जा सके कि भारत की जीत मैच फिक्सिंग की वजह से हुई है, न कि भारतीय टीम की काबिलियत की वजह से। अब जरा इस ट्वीट को देखिए। ये ट्वीट पाकिस्तान सरकार के मंत्री फवाद चौधरी का है। फवाद चौधरी लिख रहे हैं कि भारत सिर्फ तभी सेमीफाइनल में जा सकता है जब न्यूजीलैंड की टीम सुरक्षा कारणों से यूएई छोड़कर चली जाए या फिर भारत कुछ फर्जी ईमेल्स कर। हालांकि फवाद चौधरी की बातों को कितना गंभीरता से लिया जाना चाहिए ये उनका इतिहास बताता है। और पाकिस्तानी टूलकिट को फॉलो करने वाले ट्रोलर्स सिर्फ सोशल मीडिया पर ही एक्टिव नहीं है बल्कि पाकिस्तान के टीवी चैनल्स देखकर भी हमें यही लग रहा है कि भारत की जीत पाकिस्तान से बच नहीं रही। इंडिया और अफगानिस्तान का मैच हुआ, इंडिया ने 210 रन बना दिए। इस टूर्नामेंट का सबसे बड़ा स्कोर इंडिया ने बना दिया 210। अफगानिस्तान ने बनाए 144। इंडिया जीता 66 रन से, 66 रन की बढ़तरी। ये तो माहिरीन बताएंगे कि क्या इतनी बड़ी बढ़तरी है कि इंडिया के लिए हालात अच्छे हो गए, 10 रन बना दिए। तो सुना आपने कि कैसे अफगानिस्तान के खिलाड़ियों के कंधे पर बंदूक रखकर पाकिस्तानी मीडिया भारत की जीत को और भारत की टीम को लगातार निशाना बना रहा है। 12 रन रेट बेहतर तो हुआ, अब हुआ क्या है ये हम नहीं कह रहे, लेकिन जो एक तासुर बना हुआ है, मैं आपको जरा तासुर क्या बना हुआ है और उस तासुर की रीजंस भी हैं। जरा आपको एक स्क्रीनशॉट की सूरत में दिखाते हैं कि ट्विटर पर इस वक्त पूरे पाकिस्तान में जो कुछ टॉप ट्विटर के ट्रेंड्स हैं वो आप देखिए क्या है। पहला ट्रेंड है फिक्स्ड मैच, दूसरा ट्रेंड है इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान, तीसरा ट्रेंड है राशिद खान, और उसके बाद फिर आगे अगर हम दिखा सके तो और भी, यानी कि टॉप 10 में से जब मैंने आखिरी मरतबा देखा तो 6-7 ट्रेंड्स थे। हालांकि इन्हीं पत्रकारों की भाषा में कहें तो यही पाकिस्तान एक मैच जीत कर ये भूल गया कि भारत के इन्हीं खिलाड़ियों ने पाकिस्तान को 29 सालों तक वर्ल्ड कप में जीत के आसपास भी फटकने नहीं दिया। पाकिस्तान भारत के सामने 12 बार आया और हर बार हार कर ही मैदान से लौटा, लेकिन एक जीत से पाकिस्तान इतना बौखला गया है कि उसे धूल चटाने वाले धुरंधर खिलाड़ियों की जीत भी पाकिस्तान को अब फिक्स लगने लगी है। वैसे आपको बता दें कि पाकिस्तान का ये ट्रोल चरित्र पहली बार उजागर हुआ हो ऐसा भी नहीं है। इससे पहले भी पाकिस्तान में बैठे कुछ लोगों ने मोहम्मद शमी की फर्जी ट्रोलिंग के लिए सोशल मीडिया पर फर्जी नामों से नए अकाउंट्स क्रिएट किए थे।
और फिर उन अकाउंट से इस्लाम को हथियार बनाकर भारत की टीम को एक बार फिर से हराने की कोशिश की थी। लेकिन हमारे लिए पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, न्यूजीलैंड हो या किसी भी देश की क्रिकेट टीम हो, ये मैच क्रिकेट का मैच था, लेकिन पाकिस्तान ने इसे धर्म युद्ध बना दिया और अब इन्हीं ट्रोलर्स ने वर्ल्ड कप को भी अपने देश की सरकार की तरह समझ लिया है, जहां सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार चलता है। वैसे भी भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली तो पहले ही कह चुके हैं कि मैदान के बाहर हो रही ट्रोलिंग से भारतीय खिलाड़ियों को कोई फर्क नहीं पड़ता। टीम इंडिया का अगला मुकाबला 5 नवंबर को यानी कि कल स्कॉटलैंड के खिलाफ, जिसके बाद भारत के सेमीफाइनल में जाने की उम्मीद अब भी बरकरार है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।